अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद औन शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट औन शिराज़ी हाज़िर ख़िदमत। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत-ए-हाल है वो एक किसी भी फिल्म या ड्रामे से कम नहीं है। जिस तरह फिल्म में और ड्रामे में सस्पेंस रहता है, सस्पेंस भी है। खान साहब कह रहे हैं जी मुझे जो है वो कत्ल किया जा सकता है, फिर वो जहर वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर थोड़ी सी मिज़ाइया वो रोल जो आते हैं वो मिज़ाइया रोल हमें शहबाज़ गिल की सूरत में या कभी जनाब अता तारड़ की सूरत में या कभी अब्दुल कादर पटेल की सूरत में वो मिज़ाइया अदाकार आप देखते हैं ना, वो जैसे इंडिया में देख लें तो अनुपम खीर है, जॉनी लीवर है, पाकिस्तान में अफजल खान रैम्बो, उसके अलावा नसीम विक्की वगैरह वगैरह, उनको इफ्तिखार ठाकर को कास्ट किया जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो मजमूई तौर पे एक फिल्म या ड्रामा जैसे चल रहा होता है ना कि हर कोई अदाकारी कर रहा है जी, हर कोई मतलब एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है, वो नज़र आ रहा है। वहाँ पे फिर हमें नज़र आता है कि सरकारी इदारे भी हैं, वो कहते हैं जी कभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हमें जो है वो सियासत में ना घसीटे, उसी में कह रहे होते हैं कि जी देखे नई हुकूमत आने की वजह से डॉलर जो है वो नीचे आ गया है, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है। तो एक इस वक्त अजीब व गरीब खेल जो है पाकिस्तानी सियासत में बपा है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि कौन क्या चाहता है। इस वक्त सब क्ल्यूलेस है। अगर इस्टेब्लिशमेंट कहें, अस्करी इस्टेब्लिशमेंट क्ल्यूलेस है, इमरान खान साहब क्ल्यूलेस है। वो तो ये कहते हैं कि जनाब जब ये लॉन्ग मार्च शुरू होता है ना, जब आते हैं निकलते हैं और जब धरने होते हैं तो नए रास्ते निकलते हैं। तो इमरान खान साहब को भी अभी समझ नहीं आ रही, पार्लियामेंट से वो बाहर आ गए। अच्छा, इंतखाबी इस्लाहात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो जनाब इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, वो फिर अगर इस्तीफ़ा मांगेंगे तो इलेक्शन कहते हैं पहले होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, अर्ली इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बगैर कैसे होंगे। अच्छा, नून लीग एंड कंपनी जो इस वक्त जो हकूमत है, हकूमती इत्तेहाद है, पी डी एम वाले, पीपल पार्टी वाले, वो हकूमत ले चुके हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही अब हम क्या करें। हुकूमत तो मिल गई है, अब इसको चलाना किस तरह है। इमरान खान साहब जो पेट्रोल पे बिजली पे सब्सिडी दे के गए थे, अब उस सब्सिडी को ख़त्म करें तो आवाम जनाब खिलाफ हो जाएगी, उस सब्सिडी को कायम रखें तो कर्ज इतने ज़्यादा हैं वो कैसे जो पेमेंट करनी है वो कैसे करेंगे, बजट कैसे बनाएंगे, चलाएंगे कैसे। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट है वो पहले इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह से उनको ये वाला ग्रुप जो है वो बुरा भला कहता रहा, लान तान करता रहा। अच्छा, अब इमरान खान के खिलाफ मतलब ये ख्याल किया जा रहा है कि इस ग्रुप के साथ हैं, यानी पीडीएम एंड कंपनी के साथ हुए। तो इमरान खान एंड कंपनी वो जो फिफ्थ जनरेशन वार वाले थे, वो जो कीबोर्ड वारियर थे, वो खिलाफ हो गए। अब इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इमरान खान साहब को भी नहीं मिल रहा, मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद को भी नहीं मिल रहा, हत्ता के सिराजुल हक साहब की जमात इस्लामी को भी नहीं मिल रहा। वो भी जनाब अली वो पीपी 160 वाली तस्वीर वायरल आपने देखी, वो जनाब तरबूज दे रहे हैं, हलवाने दे रहे हैं लोगों को, गर्मी मिटाओ जी। तो इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि तमाम लोग ये एक बंद गली में पहुँचे हुए हैं। अभी शिफ्ट देखे ना, वो इमरान खान साहब जो बाजवा साहब की तारीफें कर रहे थे, वो इमरान खान साहब जो फरमाते थे कि बाजवा तो चंगा भाईजान जनरल ही कोई नहीं, बाजवा डॉक्टराइन तो जनाब सबसे डेमोक्रेटिक किस्म का अगर जनरल पाकिस्तान की तारीख में आया वो जनरल बाजवा है। और दूसरी जाना मरियम नवाज और नवाज शरीफ गुजरावाला में जनरल बाजवा को तमाम इलेक्शन से लेके अभी तक के मामला जब वो तकरीर कर रहे थे वो जनाब जनरल बाजवा पर डाल रहे थे। अच्छा, ये वही जनरल बाजवा हैं जिनको ख्वाजा आसम ने कॉल किया था कि मुझे हराया जा रहा है और फिर वो जीत गए थे। खैर, अब मरियम नवाज एंड कंपनी वहाँ से मतलब पाकिस्तानी सियासत देखे ना, वही असम्बली है, अभी कोई मतलब 8-10 साल नहीं गुजरे, वही असम्बली है, चंद माह गुजरे हैं, वहाँ से नवाज शरीफ और मरियम नवाज वहाँ से चले हैं, जनरल बाजवा एंटी जनरल बाजवा बयानिए से और जनरल बाजवा के साथ खड़े हो गए हैं। अच्छा, दूसरी जानब देखें, वो ग्रुप जो इमरान खान जनरल बाजवा की तारीफ कर रहे थे, कह रहे जनरल बाजवा जाते जनरल ही कोई नहीं भाईजान, वो इधर से जनरल बाजवा वाले कैंप से चले हैं और वो उनकी कीबोर्ड वारियर जो हैं वो जनरल बाजवा के एंटी खड़े हो गए। यानी वो वर्ड जो हमें नून लीग और एंड कंपनी की जानब से नज़र आते थे उनसे कई गुना उनको 4-5 से ज़रब दे दे तो वो तहरीक इंसाफ के लोगों की जानब से नज़र आने लगे। वो ट्रेंड
मतलब इवन वो लफ्ज इस्तेमाल किए जाने लगे जो मैं वीलॉग में भी नहीं कह सकता। मतलब आप किस तरह किसी एक शख्स जो 45 साल अपनी लाइफ के एक इदारे को दे दो उस इदारे के, मैं कैसे कहूँ। यानी आप भी आप ट्विटर पे चले जाएं, शाम को कोई भी तहरीक इंसाफ की स्पेस ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि कहानी क्या है। अच्छा, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब, पहले नवाज शरीफ को जहर देने की बात थी ना, मरियम नवाज कहती थी कि मियाँ साहब को जेल में जहर दिया जा रहा है, उनको अटैक हुआ है, मुबैना तौर पे जहर है, अटैक हुए हैं, वो चेक किया जाए। अब खान साहब कह रहे हैं, मतलब आप शिफ्ट देखें ना, अब खान साहब कह रहे हैं कि जी मुझे कत्ल किया जा सकता है। मरियम नवाज कहती थी कि अगर नवाज शरीफ जहाँ रहते तो उनकी जान को खतरा था। अब खान साहब बता रहे हैं कि एक जहर ऐसा है कि अगर किसी को दिया जाए तो वो हार्ट अटैक की मौत मरता है। तो पहले मरियम नवाज, जरा शिफ्ट देखे ना, मजा आएगा आपको। पाकिस्तानी सियासत वाजिबा कमाल हुई बैठी है। पहले जो मरियम नवाज कह रही थी, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, अंदाज बदल गया है, अंदाज बदला है, लेकिन लहजा पहले से तुरश हो गया। जो मरियम नवाज कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब को जहर पाकिस्तान में दिया जा रहा है, मुबैना तौर पर उनका बयानिया था, तब उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अच्छा, अब इमरान खान साहब उससे मिलता जुलता बयानियाँ बना रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब थोड़ा सा एक कदम आगे गए हैं, उन्होंने कहा जी मुझे असैसिनेट किया जा सकता है, मुझे असैसिनेट किया जा सकता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया और वीडियो तैयार करके मैंने रख दिया और उसमें उन तमाम लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये साजिश किया। अच्छा, फिर कहते हैं बंद कमरे में साजिश हुई। अच्छा, एक थोड़ा सा देखना, बंद कमरे में पहले तो मुफ्ती मुनीब जो है वो होता था ना, जब मुफ्ती मुनीब रात 12 बजे तक चांद देखते थे ईदगाह रमज़ान के बाद, जब शिवाल के चांद के लिए, तो यही कहा जाता था कि बंद कमरे के इजलास में चांद देखा जा रहा है। तो ये बंद कमरे के इजलास में साजिश हुई है जिसका खान साहब को पता चल गया है। अब खान साहब हैं हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उसके साथ साथ एक हीरो भी हैं, लोग बड़ी तादाद में उनके पीछे निकलते हैं। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि खान साहब को, या कोई भी नहीं चाहेगा, मैं वो आखिरी शख्स हूँगा पूरी दुनिया में जो ये सोचे भी कि खान साहब को नुकसान अगर इंटेंशनली कोई पहुँचा रहा है तो पहुँचाने दें। तो हमारे हीरो हैं तो कम अज़ कम हमें अपने हीरो की हिफाजत तो करनी चाहिए। तो अब जो बंद कमरे के इजलास में खान साहब के खिलाफ साजिश हुई जिसका जिक्र उन्होंने अपनी वीडियो में किया है, तो वो बंद कमरे के इजलास में पहली बात तो यह है कि वो जो लोग होंगे, मतलब ए बी सी डी, वो कहते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग मुलव्वस हैं, तो वो उनमें से किसी ने बताया होगा ना। मतलब बंद कमरे में कमरा बंद है भाई, अंदर कोई बंदा बात कर रहा है तो मुझे तो नहीं पता चलेगा। ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं, ये तो नहीं था कि साजिश हो रही थी और खान साहब दरवाजे के साथ कान लगा के खड़े थे, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता था। अच्छा, खान साहब को किसी ने आके बताया, खान साहब को अगर किसी ने आके बताया तो वो फिर इसका मतलब है उनमें से ही थे जो साजिश कर रहे थे। अच्छा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो साजिश कर रहा हो वही आके बताए कि मैं आपके खिलाफ ये साजिश करूँ, आप वीडियो बना दें, आप उसमें मेरा नाम ले दें, जब आपके खिलाफ साजिश कामयाब हो जाए खुदा न खास्ता तो उसके बाद जनाब ये वीडियो आ जाए, मुझे लोग लान तान करें, ये तो मुमकिन नहीं है ना। अच्छा, अब चले हम इसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। खान साहब ने कहा जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और मुझे असैसिनेट किया जा सकता है, अंदरूनी बैरूनी हाथ है, चले जी इसको फेस वैल्यू पर लेते हैं। तो फिर क्या हम उस साजिश का वेट करें कि वो पूरी हो जाए और खुदा न खास्ता खान साहब को कोई नुकसान पहुंच जाए? नहीं, मैं तो नहीं चाहूँगा, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर पाकिस्तानी, मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं वेट करता रहूँ, मुझे पता है कि वो सामने गड़ा है और मैं चलता जाऊँ कि मैं गड़े में गिर जाऊँ। नहीं भाई, मैं तो नहीं चाहूँगा। तो खान साहब को अगर पता है तो बजाय ये कि खुदा न खास्ता जो वो कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये वीडियो सामने आ जाए, तो अभी बताएं ना, बता दें कि ये ए बी सी था और ये मेरे खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं, ये लोग, ये मुझे मेरी जान के दर पे, जान से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं होती ना। अब हम में तो वो नहीं है ना हिंदुओं वाला सात जन्म, हम तो ये है ना कि जान खुदा की एक बारी, वो जैसे वो हमारे कहते हैं ना कि जान अल्लाह नूं देनी, तो जान तो अल्लाह को देनी ही देनी है, लेकिन अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो आपको बताना चाहिए। अच्छा, खान साहब को बताना चाहिए, खुल के बताना चाहिए कि वो बंदे मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको इंटेरोगेट किया जाए। अच्छा, खान साहब को आप वो लेटर लिखने आ रहे हो, आप आरफ अलवी को बता दें, मतलब सदर पाकिस्तान को बता दें, आप चीफ जस्टिस को बता दें, या आपका जिस पे एतमाद है उसको बता दें,
लेकिन ये कैसे हो सकता है कि खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही हो और चुप करके खान साहब वीडियो रिकॉर्ड कर दे? कल कोई नुकसान हो गया, जिम्मेदार कौन होगा? उनके अपने दोस्त उन्हें क्यों नहीं समझाते, उनके पार्टी के लोग क्यों नहीं समझाते कि खान साहब नहीं, हमने साजिश नहीं होने देनी, हमने पहले ही उसको, अक्लमंद इंसान तो वो होता है जो साजिश को पहले ही सामने लेके आ जाए। अच्छा, अब खान साहब ने ये बड़ी बात किया और ये छोटी बात नहीं है, बड़ा दावा किया उन्होंने। और फिर उन्होंने कल रात को एक बात किया, जो उन्होंने तकरीर किया उसमें उन्होंने कहा कि जहर दिया जाता है, ऐसा जहर है और हार्ट अटैक निकलता है। अब ये भी बड़ी मैंने, अच्छा खान साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं भी ये मेरा भी ये राय है कि खान साहब जो हैं वो माइंड गेम खेल रहे हैं, वो इदारों को, वो अपोजिशन को, जो अभी हुकूमत में है, पहले अपोजिशन थी, वो हुकूमत को, इदारों को प्रेशर में ला रहे हैं, आहिस्ता 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 डॉट से डॉट्स अगर मिलाए आप, और फिर आवाम के लिए एक बयानियाँ तश्कील दे रहे हैं। पहले उन्होंने एक बात की, फिर दूसरी बात की, फिर उन्होंने जनाब अपनी असैसिनेशन वाली बात कर दी, वो करेक्टर असैसिनेशन से शुरू हुए थे ना, अब ये लोग मेरे खिलाफ गंदी मुहिम चलाएँगे, मुझे बदनाम करेंगे। अच्छा, वहाँ से शुरू हुए, आगे चलते चलते फिर वो कहाँ पहुँचे जी, आके मुझे असैसिनेट किया जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है। फिर उन्होंने कल कहा कि जनाब हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को जहर दिया जाए। अच्छा, फिर आज उनके मोबाइल चोरी हो, मतलब मोबाइल चोरी की भी खबर आ गई कि जी सियालकोट में खान साहब जब उनके एयरपोर्ट से मोबाइल चोरी हो गए, दो मोबाइल चोरी हो गए। अच्छा, उनमें से क्या निकलेगा, क्या कोई चीज़ लीक होगी? तो ये कहा जाएगा कि किसी ने मोबाइल चोरी करके लीक कर दिया। यानी प्रेशर बढ़ा रहे हैं खान साहब, माइंड गेम कर रहे हैं खान साहब। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो उसे समझ जाना चाहिए कि खान साहब भी वो, मतलब क्रिकेट खेलते रहे हैं ना, तो उन्हें पता है कि कैसे टफ सिचुएशन में गेम खेली जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि खान साहब तो जब से हुकूमत गई है वो अजीबोगरीब बातें करने लग पड़े हैं, लेकिन मेरी ये राय नहीं है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, खान साहब माइंड गेम खेल रहे हैं। अच्छा, अब जो है वो कह रहे हैं कि जी हार्ट अटैक। अच्छा, अब जो जो लोगों को हार्ट अटैक हुए इससे पहले, खान साहब के दौर में भी बहुत सारे, खादिम हुसैन रिजवी साहब को भी हार्ट अटैक हुआ खान साहब के दौर में। अच्छा, अच्छे भले थे, यहाँ पे एहतजाज करके वापस गए थे। अच्छा, फिर एक और साहब थे अरशद मलक, उनको भी हार्ट अटैक हुआ, वो भी अच्छे भले थे ना। अच्छा, पीछे चले जाएँ, जनरल साहब को भी एक हार्ट अटैक हुआ, तो आर्मी चीफ आसम नवाज जंजुआ। तो ये खान साहब किस तरफ, ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी उन्होंने डांट से डांट जोड़ा है, किसी को प्रेशराइज किया है, जिसको वो कह रहे थे ना कि जी साजिश अंदरूनी बैरूनी। पहले उन्होंने कोई और बात की थी मीर जाफर मीर सादक, फिर इसी तरह लेके मीर जाफर मीर सादक से वो आगे पहुंचे और उन्होंने कहा कि जी अंदरूनी हाथ भी, और फिर उन्होंने कहा ये कत्ल वाली, इससे पहले भी एक दो उन्होंने इसी इस्तलाह में बातें की थी। अच्छा, फिर उन्होंने कत्ल वाली बात कर दी, अब वो जहर वाली बात, ये किसको प्रेशराइज कर रहे हैं? समझ आपको भी आ रही है, समझ मुझे भी आ रही है, सबको, बहुत सारे लोगों को समझ आ रही है। जिनको नहीं आ रही उनको समझ जाना चाहिए कि खान साहब को पता है कि कहाँ पे। आज परवेज इलाही ने उनको कहा है एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक करें, आप उनको तनकीद का निशाना ना बनाएं, नवाज को बनाएं, शहबाज को बनाएं, जरदारी को बनाएं, मौलाना को बनाएं। अच्छा, अब ये इस वक्त कहानी यहाँ तक पहुँची हुई है। और जाते जाते मैं आपको ज़रा ये बता दूँ कि खान साहब के पास सिक्योरिटी कितनी है, यानी खान साहब ने ये कहा तो हुकूमत दे एक बार काम पर टांग गई भाई जान। अभी इस वक्त खान साहब के पास जो सिक्योरिटी है उसमें 72 बंदे इस वक्त उनके पास हैं एफसी के बनीगाला में, 22 लोग जो हैं इस्लामाबाद पुलिस के उनके पास हैं, यानी 94 लोग इस वक्त इमरान खान साहब की हिफाजत पे एफसी और इस्लामाबाद पुलिस है। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई है, 36 लोग इस वक्त खान साहब की हिफाजत पे है केपी के, तो ये कुल कितने बन गए 130, 6 हैं जीबी के, 136। यानी खान साहब के ऊपर जो उनकी हिफाजत के लिए इस वक्त बकायदा तौर पे जो ट्रेंड लोग हैं एफसी इस्लामाबाद पुलिस, उसके बाद केपी पुलिस, जीबी पुलिस, जीबी स्काउट, वो 136 बंदे हैं। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, 9 एक सिक्योरिटी कंपनी है और 16 एक सिक्योरिटी प्राइवेट कंपनी है, 25 बंदे वो भी हैं। तो कुल अगर मिला के बात करें तो ये 136 में 25 ये डालें तो 161 बंदा खान साहब की हिफाजत पे है, जिनमें से 136 रियासत पाकिस्तान ने उनको दिए होंगे। उसके बावजूद खान साहब अब वहाँ से चले हैं और जहर वाली बात पे चले गए हैं और खान साहब अपना प्रेशर कायम किए हुए हैं। अब
जाते जाते ये बता दूं अंदर की खबर कि आप जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ये सोच रहा है, शहबाज साहब ने आज 3 अहम मुलाकातें की हैं वज़ीर आज़म ने, एक अपने कोलिशन पार्टनर उनके हैं MQM वाले, एक कोलिशन पार्टनर उनके हैं जी PP वाले, एक कोलिशन पार्टनर उनके मौलाना है। मुलाकात में ये तय किया गया है कि सख्त फैसले किए जाएंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ चले, 1 पेज पे होना चाहिए। और इमरान खान के हवाले से कुछ कोई यकीन दहानियाँ करवाई गई थी पहले, वो यकीन दहानियाँ पूरी कराई जाए, अगर वो नहीं होती हैं तो फिर हम हुकूमत से बाहर निकल आएंगे। तो ये कुछ आज की ताज़ा खबरें थी। वीलाग लंबा हो रहा, इसकी डिटेल में मैं जाता कि ये हुकूमती इत्तेहाद की जो मीटिंग हो रही हैं PM साहब कर रहे हैं उसके अंदर मजीद क्या अंदर की खबर है। खैर, ये अंदर की खबर हम कल पे छोड़ देते हैं क्योंकि आज थोड़ा वीलाग लंबा हो रहा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त ब्रेकिंग न्यूज़ विद आउन शिराजी की टीम के साथ, अल्लाह ने के पास।